सो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का टेक मित्र यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करने वाला हूं बूट के ट्रू वायरलेस ईयरबड्स की। तो चलिए गाइस, हम इस रिव्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरीके के रिव्यू और अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखने को मिलती रहें। तो चलिए गाइस, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, मैंने इसका जो डब्बा है वो पहले ही हटा दिया है, यानी कि मैंने इसको पहले ही अनबॉक्स कर लिया है, क्योंकि मैं अनबॉक्सिंग नहीं करता, गैजेट्स का रिव्यू करता हूँ। और मैंने इसको 2-3 दिन यूज़ भी करा है, इसके बाद मैं आपको इसका रिव्यू दे रहा हूँ। सो अभी आप देख सकते हो मेरे हाथ में ये बूट का ईयरबड्स है। और इसकी अगर मैं बैटरी की बात करूं तो बैटरी काफ़ी अच्छी है। और यहां पर अगर मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस इसकी लगभग 2000 के आसपास है, 1999 या कुछ ऐसे में मैंने इसको परचेज़ करा है। एंड देन गाइस, इसकी अगर मैं बात करूं तो यहां पे बोट की ब्रांडिंग दी हुई है, साथ साथ यहां पे आपको चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। इधर यहाँ पर आपको बैटरी इंडिकेशन के लिए कुछ बत्तियाँ लगी हैं, जिससे कि आप ये समझ सकते हो कि मेरी बैटरी कितनी चार्ज है इस बॉक्स की। और चलिए मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो रखे हुए हैं इसके अंदर ईयरबड्स रखे हुए हैं, और इनको मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। सो कुछ इस तरीके से ईयरबड्स हैं यहाँ पर गाइस, आप देख सकते हो, ये मैं दिखाता हूँ कैमरे में। और इसको मैं अपने राइट वाले कान में लगा लेता हूँ, और ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी यूनिक है। यहाँ पे आपको कान में लगाने से कोई भी चुभन या फिर कोई ऐसी इशनेस महसूस नहीं होगी, काफ़ी अच्छा लगेगा, कंफर्टेबल है, अच्छे से ये आपके दोनों के दोनों कानों में सेट हो जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको भी सेट कर लिया। एंड देन गाइस, अगर मैं इसकी साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो साउंड क्वालिटी मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, बिकॉज इससे अच्छा जो 1200 रुपये का एक आता है बूट का ईयरबड्स, उसका जो साउंड क्वालिटी है, उसकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी बेटर है इस वाले ईयरबड्स से। सो यहाँ पर थोड़ा सा साउंड क्वालिटी में पता नहीं क्यों इसका साउंड क्वालिटी जो है थोड़ा सा डल है, लेकिन फिर भी अगर इसकी बैटरी की मैं बात करूं तो बैटरी काफ़ी ज़्यादा चलती है और काफ़ी बेहतर बैटरी के साथ ही ये आता है। सो गाइस, आपको पता चल गया होगा इसके बारे में, प्राइस तो मैंने बता ही दिया, 2000 के आसपास ये आपको पड़ेगा। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसको चेक कर सकते हो बूट का। और यहाँ पर गाइस, मुझे एक चीज़ और बेकार लगी, इसके अंदर जो छल्ला लगा होता है वो छल्ला इसमें नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे ईयरबड्स मैंने देखा है जहाँ पर छल्ला लगा होता है, यहाँ पर जिसको आप ईजी से कैरी कर सकते हो, अपने बेल्ट के पास इसको लटका सकते हो, लेकिन यहाँ पर गाइस इसके अंदर ये फीचर नहीं दिया हुआ, तो आपको इसको अपने जेब में ही रख के चलना पड़ेगा। सो ये चीज़ मुझे काफ़ी बुरी लगी इसमें। एक तो इसका जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा नहीं है, काफ़ी एवरेज ही है, इतनी प्राइस में आपको ये एवरेज ही मिलेगा। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसके बारे में आपको बूट ईयरबड्स के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, ठीक ही है, थोड़ा ठीक ठाक है, ज़्यादा बेकार भी नहीं है। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।